सीरियल पंड्या स्टोर में इस दिवाली धवल की आंखें तो चौंधिया सी गई। नहीं नहीं, दिवाली की लाइट्स और रोशनी देखकर नहीं, लेकिन अपनी पत्नी का जलवा देखकर। भाई नताशा कुछ यूं सज धज कर आई कि धवल तो बस देखते ही रह गए। धवल और नताशा यूं तो एक दूसरे को ही काफी दिनों से पसंद करते आ रही हैं। ये दोनों के बीच प्यार का इजहार होने ही वाला था कि भाई गोलू वाला ट्रैक आ गया, जिसके चलते ये इजहारे मोहब्बत से भटक गए हैं। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो जब सब कुछ ठीक हो गया है तो प्यार होने में देरी क्यों होनी चाहिए। एक्चुअली अभी पंड्या स्टोर में अभी दिवाली मनाई जा रही है, और दिवाली से पहले तो मेरा चल ही रहा था इतना सब कुछ। इल्ज़ाम लगा दिए गए थे मुझ पर, गोलू को मैंने किडनैप कर लिया है और सारी गड़बड़ मैं करती हूँ। अब दिवाली आ चुकी है तो मैं कुछ सब कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ईशा को घर लेकर आती हूँ। ईशा है धवल की बहन। अब वो 3 साल से सारे बिछड़े हुए थे, बट ऑफकोर्स मैं इतना ट्राई करती हूँ, अटैम्प्ट लगाती हूँ, और काफी ज्यादा मेरे को ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट अब ईशा घर वापस आ चुकी है गाइस। हे क्यों धवल, आप नताशा को इस वक्त देखकर ही कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ना। हे धवल की नजरों से आज नताशा ही बेहद ही खूबसूरत लग रही है। आज अपनी इस खूबसूरत नताशा को हे धवल और भी खूबसूरत बनाएगा। दिया हम जला चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा हुआ है मोमेंट। उसे सजाएगा, सवारेगा, और हाँ, किसी को भी आज उसे देखने की गुस्ताखी नहीं करने देगा। दीपावली पर ईशा को घर लाकर तो सबका दिल ही नताशा ने जीत लिया है, तो अब बारी आती है नताशा को भी किसी के दिल में घर करने की। ना तो वो दिल किसी और का नहीं बल्कि धवल का है। जो भी उन्होंने assumptions लगाए थे मुझ पर, allegations लगाए थे गोलू के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जो कि मैंने गलत प्रूफ कर दिए हैं, उसके लिए वो थोड़ा सा apologize कर रहे थे। ये प्यारा सा लम्हा देखकर आप भी बहुत खुश होंगे। अब अपने दिल का इजहार भी धवल करना चाहता है, लेकिन नताशा है कि बातों बातों में एक कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सच में सो रही थी भाई, सच में सो रही थी। जब धवल ने देखा नताशा को तो उसने गोद में उठाया नताशा को और देखिए एक कमरे में ले गया। आई एम स्लीप हेड, मैं सो गई थी, अपना बड़ा प्यारा सा ब्यूटी नाप ले रही थी, और धवल को लग रहा था मैं उसकी बातें सुन रही हूँ। तो इट वॉज़ अ वेरी स्वीट सीन। मैं सो रही होती, वो मुझे उठाता है, जब उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो सो रही, कुछ नहीं सुना इसने, कितनी क्यूट है, उठाता है, बेड पर रखता है और फिर मुझे सुला देता है, किल से कवर कर देता है। फिलहाल तो ये प्यार का इजहार करना अभी अधूरा रह गया है, लेकिन कोई नहीं, अब जब प्यार हो ही गया है तो आज नहीं कल इजहार भी हो जाएगा, और प्यार करने वाली इस जोड़ी को अब हर दिन रोमांस करते देख बहुत ही अच्छा लगेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।